तो आप सबका स्वागत है ट्यूशन वाले में। आपके लिए खुशखबरी है, सीबीएसई बोर्ड द्वारा इस साल सीबीएसई बोर्ड ने 30% सिलेबस कम कर दिया है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। क्योंकि अब कोरोना वायरस की वजह से बच्चों को कम टाइम मिलेगा पढ़ने का, इस ये फैसला लिया गया है सीबीएसई बोर्ड द्वारा कि इनका सिलेबस कम कर दिया जाए। तो आपका 30% जो सिलेबस है वो कम कर दिया है। बाकी साल में बच्चे 100% पूरा सिलेबस करते हैं, मगर इस साल आपको खाली 30% सिलेबस करना पड़ेगा। अब कई बच्चे बड़े खुश होंगे कि यार इस साल हमें कम पढ़ना पड़ेगा और हम ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो ये आपके लिए एक तरह से गलत बात भी है कि अगर आपका सिलेबस कम हुआ है तो आपको एक तरह से नॉलेज भी कम होगी। अगर हम बाकी सालों की बात करें तो बाकी साल में जो बच्चे पढ़े होंगे उनकी नॉलेज ज़्यादा होगी आपसे, सीधी सीधी सी बात है। वो चैप्टर ज़्यादा पढ़े हैं तो उनको ज़्यादा नॉलेज होगी, मगर आपके पास थोड़ी सी नॉलेज कम होगी क्योंकि आपने वो चैप्टर किए ही नहीं होंगे। अब मान लो कल को आप 11th में जाते हो या 11th में जब जाओगे तो मान लो आप में से कोई कॉमर्स लेगा या आर्ट्स लेगा, अब मान लो उसने एसएसटी में बहुत सारे चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो सीधी सी बात अगर उसकी बेसिक ही उसकी कमज़ोर होगी। अब मान लो उसमें वो चैप्टर का कुछ आ जाए तो वो बच्चे को तो समझ में आएगा ही नहीं क्योंकि वो चैप्टर उसने पढ़ा नहीं था और वो चैप्टर उस टाइम उस सिलेबस में था भी नहीं। इसलिए मेरे हिसाब से तो आपको हर चैप्टर को पढ़ना चाहिए। हाँ, बोर्ड की तैयारी के लिए आप जो चैप्टर उसकी उसको ढंग से पढ़े, बाकी जो चैप्टर उनको खाली एक रीडिंग कर लें उनको या फिर उसके एक तरह से पढ़ लें कि आपको उसकी नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि अगर आप अगली क्लास में जाएं तो आपको कम से कम उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आप आराम से उसको लिख सके और ढंग से कर सके। अब मान लो आपको नॉलेज ही नहीं होगी, अगर आगे आप किसी क्लास में जाएंगे तो सीधी सी बात है दिक्कत तो हमेशा आएगी ना। इससे अच्छा है कि अगर सिलेबस कम भी कर दिया है, जब भी आप अपने अकॉर्डिंग जो जो चैप्टर आपको लगता है कि मेन है उसको पढ़ना चाहिए तो पढ़ो जरूर, ठीक है। और वैसे तो सीधी सी बात है अगर आप सिलेबस के लिए पढ़ रहे हैं फिर तो भाई कोई बात ही नहीं है, और अगर आपको लगता है नहीं नॉलेज हमें चाहिए तो फिर तो आपको तो सारे चैप्टर पढ़ने चाहिए। नॉलेज अच्छी होगी तो अपने आप ही देखो सिलेबस में कहीं भी जाओगे तो अच्छे ही मार्क्स आएंगे और उसकी दिक्कत नहीं आएगी कभी भी आपको। तो नॉलेज गेन करनी है तो सारे चैप्टर को ढंग से पढ़ना चाहिए। अगर आप उस सिलेबस को देखना तो जो चैप्टर मैं बताऊंगा अभी उसको आप सारे बुक में टिक लगा लो और उसी की तैयारी ढंग से कर लो और मार्क्स तो अच्छे आ ही जाएंगे। तो मार्क्स की टेंशन मत ही लेना, ठीक है, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। अगर तैयारी आप अच्छी तरीके से करोगे तो मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कौन कौन से चैप्टर हटा दिए हैं सीबीएसई ने और कौन कौन से चैप्टर आपको इस साल पढ़ना है वो भी बोर्ड के लिए। तो हम पहली बात करेंगे जियोग्राफी की, यह है भूगोल, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक लेकर बैठ सकते हो और आराम से टिक लगा सकते हो, ठीक है। तो हम वीडियो को पॉज करके आप बुक इकट्ठी कर लो चारों, और जैसे जैसे मैं टिक लगा रहा हूँ ऐसे ऐसे आप भी टिक लगा लो। और इस वीडियो में खाली एसएसटी का बता रहा हूँ, अगली वीडियो में मैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट के बता दूंगा, मैथ साइंस सबका बता दूंगा सिलेबस, ठीक है। तो आराम से टिक लगा के आप उसकी तैयारी कर सकते हैं और ये भी बता सकते हो कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए मेन है आगे जाकर काम आएंगे तो वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जियोग्राफी की, ये है 10th की, ठीक है। तो इसमें पहला चैप्टर आएगा इस साल, ठीक है, ये है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये तो आएगा इस साल। और इसमें सेकंड चैप्टर नहीं आएगा, ये पहले भी हटाता था और ये भी नहीं आएगा। और ये तीसरा चैप्टर है, इसमें से खाली मैप आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। सेकेंड चैप्टर में से कुछ नहीं आने वाला इसमें से, ये डिलीट हो गया एक तरह से, ठीक है। तीसरे में से खाली मैप आएगा, याद रखना, ठीक है। और चौथा चैप्टर आएगा आपका, और ऐसे पांच में से ही मैप ही आएगा खाली, ठीक है। इसमें मैं टिक लगाते जा रहा हूँ, इसमें मैप आएंगे, ये इसमें से क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे बोर्ड के अंदर, इसमें से खाली मैप ही आएगा। तो उसके बाद जो आपका है छठा चैप्टर ये आएगा और सातवां चैप्टर बस। तो हम बात करेंगे हिस्ट्री की। अब देखो हिस्ट्री में भी बहुत सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं। अब देखो जो नई बुक है उसके अंदर खाली पाँच चैप्टर, पहले 7 चैप्टर होते थे, अब इसमें खाली 5 चैप्टर है। उसमें आप बता दो कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो ये जो आपका पहला और दूसरा ये तो आने हैं, ये दोनों चैप्टर तो आ रहे हैं और ये आपके बोर्ड में आएंगे, याद रखना ये दोनों चैप्टर बोर्ड के लिए है। और 3rd और 4th में से ये आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे खाली। पीरियोडिक टेस्ट मतलब सीधी सी बात है, इसमें से कोई एक चैप्टर आपका पीरियोडिक टेस्ट में पूछ लिया जाएगा और कहीं नहीं पूछा जाएगा, पीरियोडिक टेस्ट में पूछेंगे इसके बारे में खाली। बोर्ड में ये चैप्टर नहीं आएंगे, पहले बता रहा हूँ, ये खाली पीरियोडिक टेस्ट तक ही होंगे, बोर्ड में ये चैप्टर नहीं आ रहे। और पांचवा भी नहीं आएगा बोर्ड में, ये ना पीरियोडिक टेस्ट में आएगा ना ये बोर्ड में आएगा। तो एक तरह से आप कह सकते हो ये दो चैप्टर है खाली बोर्ड के लिए और ये पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे, मतलब कि एक तरह से जो टेस्ट चलते हैं आपके पीरियोडिक
उसी में आएंगे, बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे इससे सवाल। तो आपको हिस्ट्री का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया और पता लग गया होगा खाली कितने चैप्टर आ रहे हैं, दो ही चैप्टर जो बोर्ड के लिए आएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिविक्स की। यह सिविक्स आपकी, ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीति, इसमें पहला चैप्टर तो पक्का आएगा पावर शेयरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, मैंने पढ़ाया भी है पावर शेयरिंग। और ये सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म, ये भी आएगा। ठीक है, तो ये दो चैप्टर तो आएंगे आएंगे, पहला और दूसरा तो पक्का आएंगे। उसका तीसरा हटा दिया गया है, चौथा भी हटा दिया है। ठीक है, और इसका कोई बनता भी नहीं है, कोई है भी नहीं। ठीक है, तो तीसरा चौथा हटा दिया गया है, और सर सीधा आता छठे पे पॉलिटिकल पार्टीज, ये आएगा। और सातवा, बस इसमें भी कितने चैप्टर आएंगे, चार। तो इसमें अब चार चैप्टर आएंगे खाली, पहला दूसरा और एक छठा और एक सातवा, इसमें चार ही चैप्टर आएंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप सिलेबस कितना कम हो गया, बस चार चैप्टर पढ़ने हैं पूरे साल आराम से। ठीक है, अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। अब देखो इकोनॉमिक्स ये चौथी बुक है, और उसमें तो वैसे छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, बड़े चैप्टर तो होते भी नहीं है, और आराम से आप कर सकते हो। तो सीधी सी बात है, इसमें सारे चैप्टर आएंगे, पहला भी आएगा, दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा और चौथा भी आएगा। बट जो पांचवा, ये आपके बोर्ड में नहीं आएगा, मगर इससे प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा। खाली आप प्रोजेक्ट स्कूल में कराएंगे, मगर ये बोर्ड में नहीं आ रहा। ठीक है, ये खाली ये चार चैप्टर आएंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि एक तरह से आपको कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं आ रहे हैं। सिलेबस सही में बहुत ज़्यादा कम हो गया है, अगर आप सही से तैयारी करें तो आराम से बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो टेंथ क्लास में। और याद रखना, टेंथ क्लास आपकी बहुत मेन क्लास है, क्योंकि इस टेंथ से ही आपका इलेवंथ का डिसाइड होगा कि आप साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे कि आर्ट्स लेंगे। और जितने अच्छे नंबर आप लाएंगे, उतने अच्छे से अपनी अपनी मर्जी के फैसले ले सकेंगे और वो सब्जेक्ट चुन सकेंगे। तो मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छी तैयारी करें, इन चैप्टर पर फोकस ज़्यादा करें और उसे ढंग से तैयारी करें। ठीक है, कि आप अच्छे नंबर ला सकें बोर्ड के अंदर। तो बच्चों मुझे लगता है आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय बच्चों।